हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो इंजेक्शन दिख रहा है जिस प्रकार से ये केरस कंपनी का आता है एर्गोवेट जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइल एर्गोमेट्राइन मेलेट इस साल्ट का कोई सा भी किसी भी कंपनी का कोई भी इंजेक्शन आता होगा जिसके अंदर साल्ट साल्टे आना चाहिए इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊँगा कि ये इंजेक्शन कौन से पशुओं को देने पर कितना बेनिफिट आता है और इस इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए किस तरह के रोग यदि आपके पशु में हो जाए यदि आपने थंबनेल में देखा गया ये इंजेक्शन से जेड़ गिराने के लिए इस जेड़ गिराने के लिए अलग जो बीमारियाँ हैं उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है पूरी डिटेल से बताया जाएगा कितने साइड क्या साइड पेट कितनी डोज किस विधि से किस रूट से तो वीडियो को स्किप करके मैं देखना वीडियो को पूरी देखना वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा इस साल्ट के बारे में जो आपको किसी ने दिया भी नहीं होगा देखो सबसे पहले तो यह मैं बताना चाहता हूँ कि जो मिथाइल एर्गोमेट्राइन जो साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह का यदि जिस प्रकार से यदि आपके पशु ने जेर निकाली है रिटेन ओप्लेसेंटा है यदि आपके पशुओं की डिलीवरी होने के बाद में जेर नहीं डाली है तो उस स्थिति के दौरान ये इंजेक्शन उस पशुओं को लगवाया जाता है जब यदि आपका पशु जेर नहीं डालता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलता है इसी के साथ यदि आपके पशुओं में जैसे ब्याने के बाद में यदि आपका पशु जैसे डिलीवरी हुई है तो डिलेवरी के दौरान यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा यदि ब्लीडिंग होती है आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है पशुओं की तो उस स्थिति के दौरान आप इस अर्गोवेट यानी मिथाइल एर्गोवेटाइन मेलेट साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है उनकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसके अंतर्गत क्या है जब भी यदि और जब यदि आपने देखा होगा कि जब ये जो कई वेटिनेरियन है जो पशुओं की जो जे निकालते हैं तो जे निकालने के दौरान भी कुछ इस तरह की दिक्कत यदि पशु में हो जाती है जिससे उनकी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में जैसे ही आप कर रहे हैं जय निकाली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है रही बात यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से अबोर्सन हो जाता है गर्भपात हो जाता है किसी भी कारणवश यदि गर्भपात हो गया है और गर्भपात होने के बाद में यदि आपका पशु जो प्लेसेंटा वो नहीं डाल पाता है या अग्रपात होने के बाद में कई पशुओं के अंतर्गत जो ब्लीडिंग भी हो जाती है तो दोनों स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं उनमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है एक और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में जैसे प्रोलेप्स की शिकायत है प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में यदि आपको शिकायत है शरीर यदि आपका पशु बाहर दिखाई दे रहा है या बहुत ज़्यादा जोर करके यदि आपका पशु शरीर बाहर फेंक रहा है तो भी आप उस स्थिति के दौरान यानी प्रोलेप्स का यदि शिकायत है आपका जिसे हम शरीर दिखाना फूल दिखाना पाछा दिखाना यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलता है यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो गई है तो इसी तरह से यदि आपके पशु में यूटेराइन इन्फेक्शन हो गया है अब इन्फेक्शन कैसे भी हो सकता है यदि आपके पशुओं की जैसे यदि जेर प्रॉपर नहीं गिरी है यदि जेर प्रॉपर नहीं गिरी है वो कई दिन हो गए हैं उसके अंदर्गत तो उसके अंदर्गत मवाद भरना स्टार्ट हो जाती है मवाद आना स्टार्ट हो जाती है डिस्चार्ज की जगह पायमेट्रा हो जाता है पायमेट्रा यानी बच्चे में गर्भाशय के अंतर्गत जो मवाद भर जाना या बहुत ही जो मवाद के रूप में यदि आपका पशु बाहर निकालता है डिस्चार्ज तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवाया जाता है यदि आपके पशु में किसी भी तरह का जो यूटेराइन इन्फेक्शन या यदि आपके पशु में पायोमेट्रा हो जाता है तो उस स्थिति के दौरान भी इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है देखो बात यह है कि यदि जब भी यदि आप जब आपका पशु जेड़ नहीं डालता है या जो भी जो वेटनरी स्टेंट है जो जेड़ निकालने के लिए जाते हैं तो यदि उससे पहले भी यदि ये, ये इंजेक्शन यदि उन पशुओं को लगा देंगे और उसके बाद में यदि उस पशु की जेड़ निकालेंगे तो बहुत ही आसानी कम से कम पंद्रह बीस मिनट का यदि आपको समय देना पड़ेगा उसके बाद में यदि जेड़ निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से जेर निकलेगी क्योंकि बहुत इस प्रकार के कमेंट्स आते आ रहे थे कि नए वेटेंडिस्टेंट हैं कि सर जेर निकालने के लिए आसानी हो वह इंजेक्शन बताएँ तो वह इंजेक्शन है अर्गोवेट मिथाइल एर्गोमेट्राइन अदर जो किसी भी कंपनी का हो साल्ट का जो इंजेक्शन आता है इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं रही बात ये इंजेक्शन की देखो आप किस तरह की ए, डोज कौन से पशु में कितने दिन चाहिए एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये इंजेक्शन है ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ़ फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत यानी मादा पशुओं के अंतर्गत ही इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है नर के अंतर्गत नहीं किया जाता और मादा के अंतर्गत भी है और एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशुओं में जैसे ब्लीडिंग हो रही है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंसी स्टेज में यदि आपके पशु में ब्लीडिंग हो रही है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है ये आपके पशु में प्रेगनेंसी के बाद में ही या आपके पशु में जैसे डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं देखो इस इंजेक्शन के का जो मिथाइल एर्गोमेट्राइन आता है जो पर एम के के का आता है वो आता है जीरो पॉइंट दो एम जी पर एम एल के का ये साल्ट आता है रही बात इसकी डोज की तो जो गाय है भैंस है घोड़ी है काउ बफेलो मेयर के अंदर आप इसकी दो एम से लेकर के और आप इसे तीन से चार एम तक भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का प्रयोग जो गाय भैंस और जो बड़े पशु हैं जैसे घोड़ी है उसके अंतर्गत पाँच एम से लेकर के दस पंद्रह एम तक इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है इस इंजेक्शन को जैसे बड़े पशुओं के अंतर्गत यदि आपको रिपीट करना है यदि आपको इस तरह का इन्फेक्शन यदि आपने एक बार लगा दिया कई ऐसे जो डेयरी फार्मर हैं या कई ऐसे पशुपालक हैं जो अपने पशुओं की जेर हाथ से नहीं निकलवाते तो इसको आप 24 घंटे बाद में एक बार और रिपीट करवा सकते हैं इस तरह से आप लगातार तीन दिन से लेकर के पाँच दिन भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं तब तक जब तक यदि आपके पशुओं में गर्भाशय में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए या जितना भी जो प्लेसेंट है वो बाहर आ जाए इसी तरह से भेड़ बकरियों के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है भेड़ बकरियों के अंतर्गत भी इस इंजेक्शन को एक से दो एम के अंतर्गत वह शुभर के अंदर्गत भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है रही बात इसके अंदर्गत बिच्छ है कुतिया है उसके अंदर भी यदि आपके इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उससे आप ज़ीरो पॉइंट पाँच एम एल से लेकर के एक एम एल यानी एक एम एल पर दस के जी बॉडी वेट जैसे बीस के जी की है तो दो एम एल तीस के जी की है तो तीन एम एल ये लगाया जाता है इसकी रूट होता है इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन जब ये इंट्राविनस लगाते हैं तो आप इसने आई स्लो यानी धीरे धीरे ये इंजेक्शन आपको आई लगाना है रही बात ये इंजेक्शन इन्फ्यूजन जिस प्रकार से आर एल के अंदर भी डाल करके भी ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवाया जा सकता है रही बात इस इंजेक्शन की साइड इफेक्ट की साइड इफेक्ट ये कि इंजेक्शन जहां पर लगाते हैं वहां पर थोड़ा दर्द कर सकता है और आपका पशु थोड़ा लंगड़ा करके भी चल सकता है इस तरह के इसमें साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं रही बात इसकी जो एम की जो अलग अलग कंपनी की अलग अलग एम आती है बहुत ज़्यादा महंगा ये इंजेक्शन आता नहीं है देखो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है यदि आप जो मेरा नए चैनल हैं ने उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है यदि आपने उस चैनल को जा करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर भी अच्छी वीडियो मिलती है एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो इंजेक्शन है ये इंजेक्शन आप कैल्शियम के जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शन के साथ मिक्स करके आप लगाएं इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है बहुत से जो वेटनेरियन हैं या इस तरह की उनको पता नहीं क्या दिक्कत रहती है कि कोई भी इंजेक्शन है वो हम सर ये इंजेक्शन मिल के नहीं लगाया जाता क्या ये इंजेक्शन मिला कर के नहीं लगाया जाता क्या और इस इंजेक्शन के बारे में भी आ रही थी कि सर जो मेटल वेट इंजेक्शन आता है यदि आप हमारे पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसे हम कैल्शियम के इंजेक्शन के साथ मिला कर के नहीं लगा सकते क्या तो आपको बताना चाहता हूँ कि डू नॉट कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं उनके साथ मिक्स न करें बहुत ही आपको ये सचेत रहना है क्योंकि कई भी इंजेक्शन आप यदि आपको नॉलेज नहीं है तो क्यों इंजेक्शन आप मिक्स करके लगाते हैं अलग अलग इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं पशुओं में दिक्कत कहाँ होती है यदि आप तीन की जगह यदि चार लग रहे हैं तो चार लगा सकते हैं चार की जगह यदि कई पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो आप उसे पाँच लगाना चाहते हैं तो पाँच में इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं यदि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो और कौन से इंजेक्शन मिक्स करके नहीं लगाए जाते उनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है और कौन से इंजेक्शन मिक्स करके लगाने चाहिए और इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उनके बारे में वीडियो बनी हुई है यदि उनके बारे में यदि डिटेल वीडियो चाहिए तो भी नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं सभी के बारे में आपको मैं डिटेल से सही और सटीक जानकारी साथ इस चैनल पर आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा जानकारी यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उससे जाके आप कमेंट में लिखें मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें मेरी वीडियो को आप लाइक करें आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी सही और सटीक जानकारी के साथ आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी वीडियो लंबी होती हैं, अच्छी होती हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाद